Welcome friends to another lecture of Teacher on Demand series. ये lecture albumin creatinine ratio और microalbuminuria के ऊपर है. Normally kidney के function में हम जब देखते हैं तो blood जो है renal artery से kidney में आता है, afferent vessel से glomerulus बन जाए, glomerulus के अंदर आकर यहाँ पे filtration होती है Bowman's capsule में. इसके बाद जो भी filtered है वो urinary nephrons के अंदर proximal convoluted tubule से घुसते हुए लूप ऑफ हैंडलीज, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब और फिर फाइनली यूरिन में बन जाता है. जितना भी आइटम फिल्टर्ड हो चुका है, बॉडी उसमें से जो भी रिक्वायरमेंट है वो निकाल लेती है और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट है एक्सक्रीट हो जाता है. दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ नेफ्रॉन. द नेफ्रॉन का मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल. ग्लोमेरुलस जहाँ पे ब्लड वेसल्स आते हैं और बोमेंस कैप्सूल जो नेफ्रॉन का हिस्सा है जहाँ से फिल्टर होता है, इस जगह पे सारा फिल्ट्रेशन होता है. इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात यह है कि ये सिर्फ पानी और छोटे छोटे पदार्थों को जाने देता है, प्रोटीन जैसे बड़े मॉलिक्यूल्स को इस बोमेंस कैप्सूल के थ्रू फिल्टर नहीं हो पाता है. इसके कारण अगर हमें यूरिन में प्रोटीन यूरिया दिखे, अगर यूरिन में प्रोटीन दिखे तो साफ जाहिर है कि बोमेंस कैप्सूल में डैमेज हो गया है और इसके कारण ही प्रोटीन्स और एल्ब्यूमिन्स लीक होके यूरिन में आते हैं. नाउ माइक्रो प्रोटीन यूरिया दो किस्म के हो सकते हैं, माइक्रो प्रोटीन यूरिया और मैक्रो प्रोटीन यूरिया. अगर यूरिन का प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो ये हमारे डिपस्टिक, सल्फोसैलिसिलिक एसिड टेस्ट या TCA प्रेसिपिटेशन मेथड से डिटेक्ट हो पाता है. इसको हम प्रोटीन यूरिया बोलते हैं और नॉर्मली दिन में 300 मिलीग्राम पर डे तक नॉर्मल रहता है. लेकिन अगर प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये हमारा डिपस्टिक में डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रोटीन यूरिया नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं. नॉर्मली प्रोटीन्स 300 मिलीग्राम पर डे तक नॉर्मल है, 300 से लेकर 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर हो तो उसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया कहते हैं. ये रूटीन में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग. और अगर 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में है तो ये हमारा डिपस्टिक में पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको हम माइक्रोप्रोटीनूरिया भी कह सकते हैं. नाउ माइक्रोएल्बुमिनूरिया में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर एक टेस्ट पॉजिटिव है तो हम सीधा पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, हमें दो और सैम्पल्स मंगवाना पड़ता है 6 महीने के भीतर. अगर 3 सैम्पल्स में से दो सैम्पल्स पॉजिटिव है तभी हम पेशेंट को कहते हैं कि माइक्रोएल्बुमिनूरिया पॉजिटिव है. और जब हम एक पेशेंट को माइक्रोएल्बुमिनूरिया पॉजिटिव कहते हैं तो हम ये बता रहे हैं कि उसके बोमेंस कैप्सूल में डैमेज है जिसके कारण प्रोटीन्स निकल रहा है, जिसके कारण से एल्ब्यूमिन निकल रहा है, मतलब इसको किडनी डैमेज है और इसको अच्छी तरह से इलाज करना चाहिए, नहीं तो किडनी पूरी तरह से पैकअप हो जाएगा. नाउ हाउ इज माइक्रोएल्बुमिनूरिया टेस्ट डन. इसके लिए हमें 24 आवर यूरिन सैंपल चाहिए. आप लोग लैब में काम करते होंगे तो ऐसे बॉटल्स तो देखा ही होगा जिसमें 24 आवर्स यूरिन सैंपल आ जाता है. ये रूटीन बायोकेमिस्ट्री में नहीं होता है, एक स्पेशल बायोकेमिस्ट्री टेस्ट होता है जो कि बायोकेमिकल एनालाइजर या तो नेफ्लोमेट्री में हो सकता है. आजकल डिपस्टिक में भी ये टेस्ट हो सकता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि 24 आवर्स यूरिन सैंपल कलेक्ट करना पेशेंट के लिए काफ़ी कष्ट है. और अगर इतने ज़्यादा सैंपल्स ये लैब में आ जाएँ तो उसको डिस्पोज करना लैब के लिए भी अलग से प्रॉब्लम पैदा कर जाता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो हमारे आमतौर पे पेशेंट पूछते हैं कि क्या ये टेस्ट रैंडम यूरिन सैंपल में नहीं हो सकता है. नाउ सवाल तो अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यूरिन प्रोटीन्स को रैंडम सैंपल में करने के लिए. उदाहरण के तौर पर अगर किसी पेशेंट का 300 मिलीग्राम प्रोटीन एक्सक्रीट हुआ है, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम में हम चेक कर रहे हैं और उसका प्रोटीन्स 350 मिलीग्राम से प्रोटीन एक्सक्रीट हुआ है. मानो कि वो बहुत गर्मी का दिन था और पेशेंट ने पानी कम पिया है तो जाहिर है यूरिन गाढ़ा होगा. तो अगर यूरिन आउटपुट 100 ml है तो इस यूरिन सैंपल में इसका प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. 350 मिलीग्राम एक्सक्रीट हुआ है और यूरिन का वॉल्यूम 100 ml था तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर. लेकिन अगर वही आदमी कोई नॉर्मल दिन में ज़्यादा पानी पी लिया हो जिसके कारण यूरिन आउटपुट ज़्यादा हो गया, 700 ml हो गया, तो यही 350 मिलीग्राम 700 ml यूरिन में होगा.
मतलब अगर यूरिन डाइल्यूट है, यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसमें अभी इसका यूरिन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 350 मिलीग्राम्स इन 700 ml ऑफ यूरिन, तो मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन मात्र 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। निकला प्रोटीन्स कितना, 350 मिलीग्राम्स, क्योंकि यूरिन गाढ़ा था, यहाँ पे इसका प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, और क्योंकि यहाँ पे यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा था, वही 350 मिलीग्राम्स यहाँ पे 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के कॉन्सेंट्रेशन में है। तो ये प्रॉब्लम है जब यूरिन में हम प्रोटीन्स करते हैं, क्योंकि यूरिन कभी गाढ़ा भी हो सकता है, कभी डाइल्यूट भी हो सकता है, और गाढ़ा और डाइल्यूट में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है रीडिंग्स के ऊपर। तो हमें चाहिए कि ये पता लगाएं कि यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड था या डाइल्यूट था, और अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो कितना है, डाइल्यूट है तो कितना है। क्रिएटिनिन इज़ अ केमिस्ट्री बायोकेमिकल पैरामीटर जो बॉडी में मसल से बनता है, और इसका एक्सक्रीशन रेट जो है कांस्टेंट है। अगर यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए तो यूरिन में क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा हो जाएगा, और अगर यूरिन डाइल्यूट है तो ये क्रिएटिनिन का कॉन्सेंट्रेशन यूरिन में वो भी डाइल्यूट हो जाएगा। तो जितना यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड है उतना क्रिएटिनिन हाई हो जाएगा, और जितना यूरिन डाइल्यूटेड है उतना क्रिएटिनिन लो हो जाएगा। नाउ अगर हमें यूरिन प्रोटीन और क्रिएटिनिन का रेशियो ले लें, तो जो इफ़ेक्ट है यूरिन का कॉन्सेंट्रेशन या डाइल्यूशन का, वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द रिज़ल्ट। उदाहरण के तौर पे हम वापस उसी सा एग्जांपल पे आते हैं। हमारा यूरिन एक्सक्रीशन 350 मिलीग्राम्स था, पहले केस में यूरिन का वॉल्यूम 100 ml था, एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन जो हमने पता लगाया था वो 350 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था, लेकिन क्योंकि यूरिन गाढ़ा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्रिएटिनिन का 2 ग्राम पर डेसीलीटर था। अब मैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो लेता हूँ, 350/2 मतलब 175 मिलीग्राम्स ऑफ एल्ब्यूमिन पर ग्राम ऑफ क्रिएटिनिन, ये मेरा यूरिन क्रिएटिनिन रेशियो यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बन जाता है। दूसरे केस में हमने कहा था कि यूरिन का वॉल्यूम लो था, प्रोटीन्स तो उतना ही था लेकिन यूरिन का वॉल्यूम काफ़ी हाई था, तो यूरिन एल्ब्यूमिन का कॉन्सेंट्रेशन 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर था। उसी यूरिन में अगर हम क्रिएटिनिन चेक करेंगे तो क्रिएटिनिन करीब 0.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगा। क्यों? क्योंकि यूरिन काफ़ी डाइल्यूट है, तो जाहिर है जो क्रिएटिनिन है वो भी डाइल्यूट हो गया होगा, तो वो 0.3 ग्राम्स पर डेसीलीटर हो जाता है। अभी यहाँ पे अगर हम यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो लें तो 50/0.3 दैट इज़ 166.66 मिलीग्राम्स पर ग्राम। अगर अब आप देखेंगे तो इस वैल्यू में और इस वैल्यू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो अगर मैं यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो करता हूँ तो मैं एक रैंडम सैंपल में भी ये टेस्ट कर सकता हूँ और इससे ये पता लगा सकता हूँ कि किडनी ठीक है कि नहीं। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना चाहिए कि मेल्स में मसल मास ज़्यादा होता है, तो जाहिर है बॉडी ज़्यादा क्रिएटिनिन प्रोड्यूस करती होगी जिसके कारण यूरिन में ज़्यादा क्रिएटिनिन आता होगा, और फीमेल्स में क्योंकि बॉडी मास मसल मास कम है तो अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन जो यूरिन में एक्सक्रीट होता है वो कम हो जाता है। इसीलिए नॉर्मल वैल्यूज़ जो है मेल्स और फीमेल्स में थोड़ा अलग है। मेल्स में 25 मिलीग्राम पर ग्राम या उससे कम हो तो उसको हम नॉर्मल यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो बोलते हैं। क्योंकि फीमेल्स में मसल मास कम है, क्रिएटिनिन यूरिन में कम है, तो ये वैल्यूज़ लेस देन 35 मिलीग्राम्स पर ग्राम इन फीमेल्स, इसको नॉर्मल मानते हैं। मेल्स में 25 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो इज़ नॉर्मल, एंड फीमेल्स लेस देन 35 मिलीग्राम्स पर ग्राम ऑफ यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो इज़ नॉर्मल। अगर ये नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है और 290 मिलीग्राम पर ग्राम के अंदर है तो इसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया पॉजिटिव बोलते हैं। ये टेस्ट में 24 आवर्स यूरिन की ज़रूरत नहीं है। रैंडम सैंपल में अगर मैंने टेस्ट किया और मेरा यूरिन एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो 35 से ऊपर और 290 मिलीग्राम्स पर मिलीग्राम से कम है तो इसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया पॉजिटिव। और अगर 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा हो जाए तो ये वैसे भी डिपस्टिक में आ जाएगा, जिसको हम माइक्रो एल्ब्यूमिनूरिया भी कह सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर, and please do feel free to contact me in case you require any lectures on any topic. You could also give me feedbacks about my lectures and the ways I could improve upon them, and thank you very much.